सुनील भाई ने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इसने गुरु सुनील में। तो दोस्तों आज हमें खबर आई है कि टीला गांव से जहां एक घर के अंदर मॉनिटर लिजर्ड उनके घर में घुस आई है जो फिलहाल टॉयलेट की छत पर चढ़ी हुई है। वहां से हमें सुबह हरीश भाई की कॉल आई थी जो कि बता रहे थे कि मॉनिटर लिजर्ड सुबह उनके पार्क में दिखी थी और उन्होंने बताया कि उस दौरान कुछ छोटे बच्चे भी वहां मौजूद थे लेकिन उस मॉनिटर लिजर्ड ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिलहाल वो मॉनिटर लिजर्ड छत पर चढ़ी हुई है और घर के सदस्य उस पर नजर टिकाए हुए हैं क्योंकि वो वहां से किसी भी वक्त भाग सकती है। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं उनके घर पर और चलिए चलकर देखते हैं कि वो मॉनिटर लिजर्ड कहां छिपा बैठा है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि दोस्तों वक्त का कुछ पता नहीं कि हादसा कब और कैसे हमारे पीछे साया बनकर आ जाए। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा देते हैं इस टीन पे, कह रहे हैं ये वाली जो टीन है इस टीन पे यहाँ पे छुपी हुई है मॉनिटर लिजर्ड जो कि काफ़ी बड़ी बता रहे हैं, एक हाथ जितनी लंबी। तो सुनील भाई अब उसका रेस्क्यू करेंगे और देखेंगे कि वो कितनी बड़ी है। आपका नाम हरीश है? अच्छा, आपका नाम है। तो ये कैसे दिखी थी आपको सबसे पहले, आपको कहाँ दिखाई दी थी? पार्क में है। बाबा बताएं, बाबा इस का किस जगह थी? देखो और मैं तुम्हें बता दूँ ये मेरा कहाँ हो रहा है। अच्छा अच्छा, उस वाले पार्क में? नहीं, उस वाले पार्क में। हाँ हाँ, ये तीन चार मेरा है। हाँ हाँ, जो ये घर में चले जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या उधर से खा जा। हाँ सही बात है, देखरेख करेंगे। सही बात है, पीछे से आते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो देखिए दोस्तों इन्होंने सबसे बढ़िया ये काम कराया है कि इसको मारा नहीं है और हमें रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया है, जैसे कि आप लोगों को भी करना चाहिए जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए भैया, आपने बहुत अच्छा काम करा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ छत पे चढ़ी हुई थी ये गुहरा और देखिए चढ़ने की कोई सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ पे हम जा नहीं सके। तो इस सीढ़ी से सिर्फ एक ही बंदा जा सकता था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीढ़ी की हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इस पर एक ही आदमी चढ़ सकता था जो कि सुनील भाई चढ़ गए हैं। पकड़ लो ये देखिए सब दोस्तों, बड़ी मुश्किल से सावधानी से इसको रेस्क्यू कर चुके हैं हम और बहुत ही। सुनील भाई, इसकी ये लमसम एज कितनी होगी है? कम से कम कितना साल होगी इसकी एज? ये कम से कम 7-8 साल के आसपास। दोस्तों जैसा कि सुनील भाई बता रहे हैं कि 7-8 साल पुरानी मॉनिटर लिजर्ड है जो कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से रह रही थी और जैसा कि भैया ने बताया था, क्या नाम भैया आपने बताया था? विजेंद्र मावी। विजेंद्र भैया ने बताया था कि उस जगह जो पार्क का वो एरिया देख रहे हैं वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से थी और छोटी छोटी थी और अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रह रही थी और देख सकते हैं, जैसे कि आप इसका साइज़ देख सकते हैं, मैं इसको आपको पास से दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप देख सकते हैं मैं कोई है ना ये तो आपको उनके बारे में और पता है कि वो और किधर की तरफ है? भाई ये पे आते पीछे थे या तो बाप लोग जाते हैं हमारे, आते हैं इनके घर भी लिखा था पहले। अच्छा अच्छा, कल घर है तो हमें तो अगर सही जानकारी है तो आप हम उसे भी इस टाइम ही रेस्क्यू कर लेंगे अगर आप बताएं तो। आपके कोई लिखा था ना आप पे पीछे साइड खेत है? अच्छा अच्छा, वो इतना आपने ढूंढता होगा ना खेतों में घुसी हुई है। अच्छा घर में, ये तो घर में थी तो आपको दिख गई। तो जैसा कि दोस्तों बता रहे हैं कि भैया कि घर में थी तो इनको दिख गई, बाकी और भी यहाँ पे हैं और खेतों में है पीछे की तरफ, तो वहाँ अभी वो मिलना उनका मुश्किल है लेकिन फिलहाल इसका अच्छे तरीके से हमने रेस्क्यू कर लिया है और जैसे कि देख सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक है ये।
ये हमारे जो पहले जो पुराने बड़े बूढ़े हैं उनकी एक वो अफो जली आ रही है, ये बहुत जहरीली होती है जी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन होता है वो खतरनाक, क्योंकि ये सड़ा गला मांस खाती है, इसके दांतों में होता है रखते जी, तो उसके कारण क्या होता है काटने के अगर सही टाइम पर इलाज होता है तो सोचो वरना हमारे तरह में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, अगर इलाज नहीं हुआ तो। अगर ठीक टाइम इलाज कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं है, उसका डर नहीं आप पकड़ के देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका इंजेक्शन लगाने में चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी आपके तरह इंसान हूँ, मैंने पकड़ा हुआ है, पकड़ के रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्ट में जाओ, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इसके अंदर होता है कि इन्फेक्शन। देखो माजी को डर लग रहा है कि ये जहरीली होती है और माजी बहुत डर रही है, अगर खा गई तो आप एक बार मेरे कहने से सीधे हाथ लगा दीजिए, पैसा कहाँ से आएगी खाने से, देखिए माजी तो भाई मेरे कहने से हाथ लगा दीजिए, हमें ये बताइए वो खा गई है पकड़े, तो पैसे कहाँ से लाए थे खाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, गरीब लोग है भाई, नजदीकी डॉक्टर जो है कहाँ से लाए, हम किसान आदमी, किसान आदमी, आप आम डॉक्टर के पास भी जाओगे ना बाबा लगा लो कोई दिक्कत ना, ज्यादा नहीं लगता इसका, 15-20 का इंजेक्शन लगा लगा दिखाओ, ये ज्यादा नहीं इंजेक्शन लगता इसका जी, जो जहर काटता है जहर जो काटता है सांप जो काटता है उसका इंजेक्शन थोड़ा महंगा होता है, आप सरकारी में जाओगे तो महंगा नहीं है क्योंकि उसकी फ्री इलाज है, आप प्राइवेट में जाओगे तो महंगा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भाई एक बार मेरे कहने से हाथ लगा लीजिए, बस मेरे कहने से एक बार हाथ लगा लो, नहीं आप मेरे कहने से एक बार, भाजी आप लगाइए मेरे कहने से एक बार हाथ लगा लीजिए, नहीं आप एक बार हाथ लगाइए, देखो माँ जी देखिए ऐसा क्या लगा दिया, ऐसा ना इसको दिल मजबूत है, नहीं नहीं देखो आप अगर उनको दिलासा देंगे ना उनका दिल मजबूत हो जाएगा, आप बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप बोलोगे ना तो वो लगा देंगे, हम बोल नहीं रहे भाई, हम डर भाई आप कर रहे हो इसका मतलब, यहाँ लहजा खाली है, कोई बात नहीं चलो हम इसको पंखा अच्छे से पैक करते हैं, आप इकट्ठा लग दीजिए, या कोई कपड़ा जिसमें हम ले जाके जा सकें इसको, लेडीज जेंट्स वो है ऐसा ही है छोटी है वहाँ पर, और भी है वहाँ पर पार्क में, वो इसके भाई के पास है, रात के समय ने लिया था, वीडियो बनाई थी इसने, बंद कर दो, ये कि थोड़ा गर्मी में थी तो इसको थोड़ा गर्मी लगी थी इसलिए थोड़ा इसको दिला दिया है कि थोड़ा ये एक्टिव कम करेगी थोड़ा। तो दोस्तों अब हम इस मॉनिटर लिजर्ड को कट्टे में डालकर इसको जंगल में रिलीज कर देंगे जहां ये अपने असली प्राकृतिक वातावरण में आराम से रह सकेगी, और हम हरीश भाई का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इस बात की सूचना मौके पर दी जिसके कारण इसकी जान बच गई, नहीं तो दोस्तों थोड़ी देर और हो जाती तो इसके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग डर के कारण इन सुंदर जीवों को मार देते हैं जिसके कारण इनकी प्रजाति दिन पर दिन विलुप्त होती रही है। यहाँ पे ये आदमी से दूर आदमी से बहुत बढ़िया, इसको जंगल में रेज कर देंगे बाहर ले जाएंगे, क्योंकि ये आदमी इसको देखती मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि जहरीली नहीं होती, क्योंकि खतरे की चक्कर मारेगी हमें काट लेगी, इसी लोग इसको मार देते हैं, भाई जहरीली होती नहीं है, इसी प्रकार से होता है, लेकिन जो हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं, देखो अभी अभी मेरी बात सुनो, अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था, मैंने पकड़ी थी ना, मेरे को काटा नहीं है इसने, फिर भी बाथरूम किया था, ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे आपने कॉल किए हमको ऐसे ही बुलाना है, मैंने आपको बताया जहरीली नहीं होती, आपको मारना नहीं बिल्कुल भी, आपने जैसे हमको फोन किया है कॉल करके बुलाया, हम आए हैं, हम कम से कम 7 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हैं पकड़ने के लिए, तो आपको ऐसे हम कॉल करना है, हम फिर दोबारा आएंगे सही इसको करके हमको जंगल में छोड़ देंगे, आपको मारना नहीं है, क्योंकि ये जीव बहुत ही बढ़िया होते हैं, इनको जहर समझ के हम लोग मार देते हैं, चलो अभी मैंने बताया इनको, लेकिन इनके अंदर से डर नहीं निकल रहा है, क्योंकि डर इसलिए निकल रहा है कि जो पहले जो बड़े बड़े जो बोल चुके हैं ना, तो ये उसी के आधार पर चल रहे हैं, तो अभी इनका डर नहीं निकला है, मैंने सबको पकड़वाया है इसलिए कि इनका डर निकल जाएगा, लेकिन डर धीरे धीरे निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसको सुरक्षित तरीके से जो है रेस्क्यू कर लिया गया है, और सभी लोग काफ़ी डरे हुए थे यहाँ पे, आंटी जी खासतौर से डरी हुई थी,
और ये तो इनके पास भी नहीं आ रही थी। तो अब हम जा रहे हैं इसको जंगल में रिलीज करने के लिए, जहाँ पे ये सुरक्षित रहे, जहाँ पे इंसान भी इससे दूर रहे और ये भी इंसानों से दूर रहे, जहाँ पे ना इसको कोई खतरा हो ना इंसानों को कोई खतरा हो। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इसको रिलीज करने के लिए। यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पे जंगल है, जो कि इसके रहने के लिए एक अच्छा स्थान है, जहाँ पे अच्छे से रह सकता है और अपने आगे के जीवन को अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। कि जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये जहरीली होती नहीं है, कि लोग बाग इसे जहरीली समझ के मार देते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि इसको कृपा करके मारे ना। देखिए दोस्तों, कि मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि पहले लोग बाग बोलते हैं कि पेशाब करके काट के सड़ना गलना स्टार्ट हो जाता है, आदमी मर जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह है, आप डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये अगर काटती है तो नज़दीकी डॉक्टर के पास में आप इंजेक्शन जाकर लगवा लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगी, सिर्फ टेटनस का या सेप्टिक का, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलता है और कुछ नहीं होता है। क्योंकि इसके दांतों में जो होता है वो बैक्टीरिया होता है कि सड़ा गला मांस खाती है, और इसके कारण क्या होता है कि हमारे दांतों में, हमारे हाथ में या पैर में कहीं काटती है तो इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जहरीली होती नहीं है, इसको जहरीली समझ के लोग मार देते हैं। इसको मारे ना, और जैसे हमारे पास हम सांप पकड़ने के लिए गए थे रेस्क्यू करने के लिए, तो भाई ने हमको बुलाया, हम गए, इसको सही से हमने रेस्क्यू किया। कुल मिला के दोस्तों सुनील भाई का कहने का अर्थ यही है कि ये जो जानवर होता है ये वेनमस नहीं होता है, इसमें एक्चुअली इन्फेक्शन होता है। ये सड़ा गला मांस खाती है, जिस वजह से ये जहाँ काट लेती है, जिस हिस्से में काट लेती है वहीं इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। तो इसका भी ट्रीटमेंट यही है कि आप तुरंत किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पे अपना टिटनेस का इंजेक्शन लगा के अपना ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम इसको रिलीज़ कर देते हैं।